पापियों को पाप से है तारी।
I'm gonna make you mine.
हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सब बैठ जाए। ओम ज्ञान ते मीरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सब हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करा के उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई। बोले कृष्णा ये गिरिराज पूजा क्यों की है, इसका पीछे रहस्य क्या है। हमारी गोस्वामियों ने उसको पीछे चार कारण बताया। पहला कारण है अगर हमारी कोई झोली भर सकता है ये गिरिराज है, इसलिए उनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता। जो कुछ गिरिराज से मांगो गिरिराज सब कुछ इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। यहाँ तक भी
ये गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की भी इच्छा ये पूरी करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए ब्रजवासियों का जो देवता है केवल श्री गिरिराज बाबा है। जो कुछ मांगना श्री गिरिराज से मांगो, गिरिराज तुमको सारी चीज श्री गिरिराज गोवर्धन देने वाले। इसलिए पहला कारण था जगत में 33 करोड़ देवता है, कितने मनो बताओ। दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करो तो 30 दिन में 30, अभी 3 करोड़ बाकी रह गया कि नहीं। एक को मनाओ दूसरा मुंह फुला कर बैठ जाएगा। लेकिन ये गिरिराज बाबा ऐसे के देवता है, गिरिराज कौन बाके भी आए, ये ऐसे के देवता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को महाभारत में विराट रूप दिखाया, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, ब्रह्मा शंकर नारद पार्वती गणेश हनुमान सबके सब मेरे अंदर में, अगर तुम मेरे को पूजा करोगे तो कहते जा जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सबको। जिसको ऊपर में बांके बिहारी की कृपा हो गई उसको ऊपर में सबकी कृपा उसको ऊपर हो जाती है। इसलिए कृष्ण शिक्षा दिया पूजा करना तो श्री बांके बिहारी श्री गिरिराज बाबा को ही पूजा करो। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। दूसरा कारण था इंद्र को मन में अभिमान हो गया। बोले क्या अभिमान था, बोले अगर मैं बारिश नहीं दूंगा घास नहीं होगा, घास नहीं उगेगा तो गैया क्या खाएगी। अब ब्रजवासियों का जो मूल धन ये गैया है, ये तो सबके सब मर जाएंगे। कृष्ण ने देखा बोले इंद्रपद किसने दिया इंद्र को, बोले भगवान ने दिया है। बलि अवतार में भगवान वामन अवतार में बलि महाराज से स्वर्ग राज्य लेकर के उन्होंने इंद्र को दिया है। इसलिए कृष्ण इसकी मन में जो अभिमान था, ये ब्रजवासियों का भी मैं राजा हूँ, कृष्ण सोच रहे हैं अगर कभी नंद बाबा बोलते बोले लाला कान्हा मेरा थोड़ा खड़ाव ले आओगे। कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं और खड़ाव को सर पर रख करके ले आते हैं। नंद बाबा कहते हैं लाला कितने अच्छे है, मैंने कहा खड़ाव लाओ तो हाथों में नहीं सर पर ला रहा है। लाला जब बड़ा होएगा ना पिता माता का बड़ा सेवा करेगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जिनकी नंद बाबा की खड़ाओं को मैं स्वयं धारण करता हूँ। और कृष्ण ने मटकी फोड़ दी तो मैया ने क्या की, उनको उखल में बांध देती हैं। कहते मैं स्वयं परात पर तत्व होते हुए भी जिन ब्रजवासियों का चरण में मैं पढ़ता हूँ, जिनकी मैं सेवा करता हूँ, अभी इंद्रत का अभिमान है, मैं स्वर्ग का राजा और ये सब प्रजा है, अभी इसकी अभिमान अभी दूर करना पड़ेगा। इसलिए इसका दूसरा कारण था। बोले तीसरा कारण क्या था, अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासियों को साथ में, ये ब्रजवासी और कोई नहीं, कोई मेरे पिता हैं, कोई मेरे माता हैं, कोई मेरे सखा हैं, इनको साथ में मैं 7 दिन तक एकत्रित होकर के उत्सव मनाना चाहता हूँ। कैसे संभव होगा, जब मैं गिरिराज गोवर्धन धारण करूँगा सारे को सारे ब्रजवासी आ करके इसको नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, फिर तो 7 दिन तक मैं इनको साथ में उत्सव मनाऊंगा। और जो सर्वश्रेष्ठ जो कारण था, कृष्ण अभी रास करने चाहते हैं लेकिन वो अकेले तो रास कर ही नहीं सकते हैं, बगैर ब्रज गोपियों के बगैर अभी कृष्ण रासलीला करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने रासलीला से पहले कृष्ण 2 लीला किए। बोले एक तो कालिये के सर पर प्रभु जी नृत्य किया, कालियों का 100 फण था और कालिया में ऐसे जहर पानी था मानो वो पानी उबलता था, वो पानी ऊपर में कोई चिड़िया तक भी नहीं जा सकते थे, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं था, ऐसे जहरीला था। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कालिया उन्होंने कालिया का सर के ऊपर में कृष्ण नृत्य किया, उसका 100 फण था, एक साथ में वो कृष्ण को काटना चाह रहा था। कृष्ण एक सर से दूसरे सर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हाँ कृष्ण उसी समय उनका नृत्य आरंभ हो गया, सारे देवादेवी आकाश से उतर करके आ गए, भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और सारे देवादेवी वाद्य बजा रहे हैं। इसलिए श्री सूरदास जी एक सुंदर पद गाए,
बले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 पम 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 पद पद गत पम 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 पन पौ पर पम 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 पन बिंग 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 बिनत करत बिंग 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 बिनत कर नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 का दिक गन 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 गंधर्व गन, सन 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 का दिक गन गन नाम 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 नारद मुनि, नाम 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 नारद मुनि सब देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, बम बम बलिहारी बम बम बलिहारी, बस तालियां नथन भगवान की। इसलिए शंकर जी पहले सोचते थे, शंकर जी का एक नाम है नटराज, शंकर सोचते थे सारे नृत्य करने वालों में मैं सबसे सुंदर नृत्य करने वाला, लेकिन भगवान ने दिखाया, देखो कोई रस्सी के ऊपर नाचता होगा, कोई गिलासिया के ऊपर में, कोई तलवार के ऊपर में, कोई सर के ऊपर में कलसी रख करके नृत्य करता होगा। कृष्ण ने कहा ऐसे कलाकार को देखा जो सांप के सर को ऊपर नाचने वाले, कोई देखे हो? जब कृष्ण कालियों के सर पर नृत्य कर रहे थे, एक फणे से दूसरे फणे, दूसरे से तीसरे फणे पर ऐसे चोट मार रहे थे, मुंह से खून की उल्टी होने लग गया। कालिया ने देखा सचमुच से मेरी पत्नी कहती थी ये भगवान है, मैंने गरुड़ साथ में भी मैंने युद्ध की लेकिन कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये 6 साल का बच्चा मेरा सर को ऊपर खड़ा हुआ ऐसे लग रहा है विश्व ब्रह्मांड मेरे सर को ऊपर आ गया, सचमुच से ये भगवान है। जो नाग पत्नियां है ना, बड़ी भक्तिमती थी, भगवान की प्रेम करने वाली थी। इनकी पत्नियां कालियों को समझाए करते थे, देख कृष्ण से बैर मत ठना करो, ये भगवान है। कालियों को मन में बड़ा अहंकार था, बोले गैया को पीछे डोलता रहता है भगवान हो गया, भगवान मैं हूँ। लेकिन जब उन्होंने उनके सर पर नृत्य की, उनकी पत्नियां दूर से देख रही थी, पास में नहीं आ रही थी, बोले क्यों? बोले एक में तो खल जाती, फिर भगवान को द्वेष करता है, लेकिन इसको मुंह से जब खून उल्टी होने लग गई ना, कालिया का सारे अभिमान चकनाचूर हो गई, और पत्नियां सोच रही थी मर जाए तो अच्छा है। बोले क्यों? बोले एक में तो ये भक्ति करता नहीं, जो हम भक्ति करना चाहते हैं भक्ति में बाधा दे रहे हैं। इसलिए मीरा कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके प्रिय ना राम वैदेही, तेजिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भले ही परम स्नेह का पात्र क्यों नहीं हो, लेकिन जिनके प्रिय ना राम वैदेही, जिनका प्रिय राम और सीता नहीं, करोड़ शत्रु मान कर उसको त्याग दो। इसलिए वो दूर से पास में नहीं आ रही थी, कहते भक्ति तो करता नहीं, हमें भक्ति भी करने नहीं देता है, ऐसे पति का क्या लाभ है, रहना नहीं रहना बराबर है। लेकिन जब उन्होंने देखा इसके मुंह से खून उमटे होने लग गया, और इसकी मन में जितने अहंकार सब चकनाचूर हो गया, अभी मन मन में ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गया, नहीं सचमुच से ये भगवान है, लगता है मेरे प्राण चला जाएगा। तो उन्होंने ठाकुर के चरण में जब शरणापन्न हो गई, और दूर से उन लोगों ने देखा अभी ये कृष्ण भक्त हो गया, अभी ये भक्त हो गया है, सारे अभिमान इसका चकनाचूर हो गया। जो पति भगवान की भक्ति करता है ऐसे पति रहनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी अगर दोनों एक साथ में भक्ति करे, फिर तो फलते फूलते रहोगे, दोनों एक साथ में सत्संग में जाओगे, परिक्रमा करोगे, बढ़िया होगा ना। इसलिए तब उन लोगों ने आकर के प्रभु के चरण में प्रणाम किए, बोले प्रभु हमारी ये कालिया ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा तपस्या की, क्योंकि जिन चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद,
ब्रह्मा शंकर नारद जिन चरणों को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन हमारे पति ने ऐसे कौन सा पुण्य की जो कि अपना अपना चरण को रखे। वो हटाना चाह रहा था भगवान का चरण को, लेकिन भगवान जोर जबरदस्ती उसके सर के ऊपर में चरण रख रहे थे। जरूर ये कोई पुण्य कामना की, क्योंकि जिन चरण को पाने के लिए लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ को छोड़ करके बैल वन में तपस्या कर रही हैं, लेकिन आज ये दुर्लभ चरण को आज उन्होंने श्री कालियों का सर को पर रखे। बोले श्री कालिय नथन भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए भगवान ने जो कालिय के सर पर नृत्य किया, उन्होंने एक बहादुर दिखाया। देखो कालिय को सर को पर नाचने वाले मैं हूं, और किस लिए कृष्ण चाह रहे थे, ये ब्रज गोपियों को मन को हरण करने के लिए चाह रहे थे, इनका मन आकर्षण हो जाए फिर मैं ये रास लीला कर पाऊंगा। तब उन्होंने दूसरा लीला किया कि पहले उन्होंने गिरिराज उठाया। गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए, हाथ उठाओ। तो हमने परिक्रमा लगाई गिरिराज की, कितना घंटा लगता है, 6-7 घंटा लग जाती है परिक्रमा लगाने के लिए, इतने बड़े गिरिराज। लेकिन इतने बड़े गिरिराज को कृष्ण ने क्या किया, कनिष्ठ अंगुल में उठा लिया। हैं, कोई कहते हैं ना, अरे मेरे लिए कौन सा बड़ी भारी बात, मेरे लिए इसको तो हम उल्टा हाथ से कर सकते हैं। कृष्ण उल्टा हाथ नहीं, सबसे कनिष्ठ अंगुल पर, कनिष्ठ अंगुल में नहीं, कृष्ण नाखूनों के ऊपर श्री गिरिराज को उठा लिया। हैं, 7 साल का बालक, 7 क्रोश गिरिराज, और उन्होंने 7 दिन तक गिरिराज को उठाया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अरे जोर से बोलो, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए कृष्ण जब उन्होंने ये गिरिराज गोवर्धन को उठाया, फिर तो जितने गोपियों का मन प्राण चित्त भगवान ने सबको उन्होंने आकर्षण कर लिया, फिर प्रभु की रास लीला के लिए प्लेटफॉर्म हो गया। इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे, जब कृष्ण श्री इंद्र पूजा के लिए जो जो कुछ बनाए थे ब्रजवासी, वो सब के सब लेकर के कृष्ण गिरिराज की पूजा की। इंद्र 1 साल से इंतजार कर रहा था, बोले क्यों, बोले ब्रजवासी लोग साल में एक बार सारे ब्रजवासी मिल करके लड्डू कचौड़ी मालपुआ और क्या क्या छापान भोग 36 व्यंजन भोग लगाते हैं। वो 1 साल से इंतजार करके बैठा हुआ, एक दिन बढ़िया भोजन मिलेगा। लेकिन इंद्र ने देखा, हर साल तो ये ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, लेकिन इस साल तो कोई पूजा की कोई आवाज़ है ही नहीं। इंद्र ने एक दूत को भेजा, भैया देख कर क्या, वो क्या कर रहे हैं। दूत ने देखा वो इंद्र के लिए जो खाना बना था ना, वो सबके सब कृष्णा ले करके ब्रजवासियों को गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। उसने जाकर के इंद्र को शिकायत कर दी। इंद्र को इतना क्रोध आया, कृष्ण को तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया, स्तब्ध बालक अज्ञानी मूर्ख, अरे मेरी पूजा करके एक पहाड़ छोड़ करके एक पहाड़ को पूजा करवा रहे हैं, ये ब्रज को मैं संपूर्ण तसनच कर दूंगा। उनने संबर तक मेघ और 49 पवन को बुलाया, थोड़ा सामने आ गया, 49 पवन को बुलाया, ऐसे ब्रज में मूसलधारा से बारिश हो, ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए, मानव ब्रज में प्रलय आ गया, ब्रज में ओले और हाथी के सूंड के जैसे बारिश हो रहा था। सारे ब्रजवासी कृष्ण को शरण में गए, बोले प्रभु आपकी बात सुन करके हमने इंद्र पूजा बंद कर दिया, देखो ये क्या हो रहा है। कृष्ण बोले कोई चिंता नहीं, हमने श्री गिरिराज की पूजा की, ये हमारी लाज बचाएगा, चलो सारे सामान लेकर के गिरिराज की तलहटी में चलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा एक छतरी को उठा ले, कृष्ण ऐसे श्री गिरिराज को उठा लिए। बोले कोई चिंता की बात नहीं, सबके सब गिरिराज को अंदर में आ जाओ। और सारे ब्रजवासी गिरिराज को नीचे आ गए, और मैया जसोदा लाला को बारंबार मक्खन खिला रही थी, हाथ में मालिश कर रही थी, लाला के हाथों में दर्द नहीं हो जाए। और जितने ब्रजवासी सखा लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, डंडे लेकर गिरिराज में टेका दिए।
बोले लाला तू कब तक गिरिराज उठाओगे, थोड़ी सी नीचे तो हाथ कर ले, थोड़ी तो विश्राम ले ले। कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्या तू अकेला क्या मैया का दूध पिया, हमने मैया का दूध नहीं पी, इसलिए हाथ नीचे कर ले, हम भी गिरिराज उठा लेंगे हैं। इतने में कृष्ण ने जब धीरे धीरे हाथ को नीचे किया ना, गिरिराज तो धीरे 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 नीचे आने लग गया, और जो डंडा लगा कर रखे थे ना वो सारे डंडा टूटना शुरू की। इतने में सखाओं ने कहा लाला हमसे ये गिरिराज नहीं उठेगा, तुम ये गिरिराज गोवर्धन को तुम धारण कर लो। इतने में राधा रानी ने अपना तेजस्वी चित्तवर्ण से गिरिराज को देख रही थी, बोले खबरदार अगर तुम नीचे आओगे ना जला करके तुमको राख बना दूंगी। इसलिए राधा रानी की नजर से ये गिरिराज ऊपर में टिका हुआ था। इसलिए ब्रज में कहावत है कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर महाराज की। जब कृष्ण ने गिरिराज उठा लिया ना, सखा ने कहा लाला ये बता तुमने इतने बड़े गिरिराज को कैसे उठाया। कृष्ण ने कहा मैंने थोड़ी उठाया। बोले किसने उठाया। बोले तुम लोग मेरे को सब देख रही थी ना, जब देख रही थी तुम्हारी सारी ताकत मेरे अंदर में आ रहा था, इसलिए तो मैंने गिरिराज को उठा लिया। सखाओं ने कहा कन्हैया पहले तो मक्खन चोरी चोरी कर खाता था, अभी हमारा बल को भी चोरी करना शुरू कर दिया है। इसलिए ऐसे ही कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रभु ने धारण की। इंद्र ने सारे जी जान इंद्र लगा दी। 7 दिन को बाद में एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत आ करके केवल उन्होंने ऊपर ऊपर से देख करके चला गया और वापस गया। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म, सब ब्रजवासी खत्म। एक दूत को और भेजे, भैया तू देख करके आ। ये नीचे आया देखने के लिए, नीचे देखने के लिए आया तो वहां एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, वहां तो धूल उड़ रहा था। और इंद्र सोच रहा था शायद ब्रज में कोई बड़ी भारी विपत्ति आ गया होगा। विपत्ति नहीं, वहां तो सखा लो कृष्ण वहां तो आनंद ले रहे थे और वहां पर तो होली मच रहा था। बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर चोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर चोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, अपने अपने घरों से निकली, अपने अपने घरों से निकली, हाँ कोई 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 काली रे रसिया, कोई 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 काली रे रसिया, आज भी रज में होरी 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 रे रसिया। ब्रज में वहां तो होली मच रहा था, सब के सब आनंद ले रहे थे, गा रहे थे। उसने जब वापस गया, इंद्र ने पूछा ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब, बोले तू जिसको साधारण बालक समझ रहा था ना, वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में वो विशाल गिरिराज गोवर्धन को उठा करके रखे और ब्रजवासी उसके नीचे उत्सव कर रहे हैं, वहां तो आनंद मच रहा है। इंद्र ने सोचा ये बालक है कौन, तब उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा, बोले हे भगवान ये तो मेरे प्रभु है, बलि महाराज मेरे इंद्र पद को छीन लिया था, इन्होंने ही बामन अवतार में पुनः मेरे को ये इंद्र पद उन्होंने दिया, इंद्र पद उन्होंने तो मेरे को कृपा करके दी थी, अभी सोच रहे हैं लगता है मेरा इंद्र पद ही गया। उन्होंने बड़ा भयभीत होकर के अपना पत्नी
इंद्राणी को साथ में अमरावती में जब विश्राम करने के लिए गया, उसको नींद नहीं आई, अभी क्या होगा अभी क्या होगा। फिर अपना गुरुजी बृहस्पति के पास में गई, बोले गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया, अभी मैं क्या करूं, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर बोले चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। जब पितामह ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले तुमने सर्वनाश कर दी, ये जो कृष्ण अवतार है ना, वो ऐसे एक अवतार है, सभी का घमंड को चकनाचूर ये कृष्ण ने किया है। इसलिए उन्होंने काल को भी, जम महाराज को भी, अभिमान को उन्होंने चकनाचूर किया, और उन्होंने सारे देवता का अभिमान भी चकनाचूर किया। अभी मेरा भी अभिमान चकनाचूर हुई थी, अभी तेरा नंबर आ गया है, हैं? तब ब्रह्मा जी खुद बताए, बोले कैसे, बोले एक समय किया हुआ कृष्ण जब अपना सखाओं को साथ, जब उन्होंने कृष्ण अघासुर को वध किया, सारे देवता लोग को देख करके बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सब देवता ने जयकार दी। जयकार देने पर इतने में वो जयकार धीरे 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 ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये ब्रजवासी लोग इतने जय जयकार क्यों कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी उतर करके आए, आ करके देखा कृष्ण केवल 5 साल का बालक और एक भयंकर दैत्य, जिनकी डर से देवता लोग कांपते थे, ये अघास और ये अजगर रूप धारण किया हुआ था, ये पाप का स्वरूप है, और कृष्ण ने ये अघासुर को उन्होंने मार डाले। फिर क्या देखा, उसका ब्रह्म तालु फट करके एक ज्योति निकली, और वो ज्योति जा करके फिर कृष्ण का शरीर में प्रवेश कर गया। फिर तो देखे भैया ये बच्चा है कौन, आप लोग थोड़े आगे आ जाओ, और थोड़ी आगे इधर आ जाओ, और एकदम बहुत एकदम पूरा आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। इसलिए बोले ये जब ब्रह्म ज्योति कृष्ण का शरीर में प्रवेश कर गया, अभी ब्रह्मा सोचा ये कौन है ये बालक जिसके शरीर में ये ब्रह्म ज्योति भी जिसके शरीर में प्रवेश कर गया। अभी ब्रह्मा और थोड़ी आगे लीला देखना चाहती, ये कृष्ण है कौन। इतने में कृष्ण अपना ग्वाल बालों को लेकर के, कृष्ण बीच में बैठे हुए, और कृष्ण के ग्वाल बाल हजार हजार है चारी तरफ में बैठे हुए। जब बैठे हुए थे, लेकिन आश्चर्य की बात था, हर सखा देख रहे थे कान्हा मेरे सामने, कान्हा मेरे सामने, स्वयं खा रहे थे, कृष्ण को खिला रहे थे, कृष्ण सबका झूठन खा रहे थे। फिर ब्रह्मा तो मुग्ध हो गए, बोले ये कौन भगवान, भगवान का तो प्रसाद हम खाते हैं ना, ऐसे कौन सा भगवान जो भगवान सभी का सखा लोग पहले मालपुआ खाए। बोले कान्हा मेरे मैया ने बड़ा मीठा मालपुआ भेजे, कृष्ण कहते तू का अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे, छीन छीन करके सभी की कृष्ण झूठन खा रहे थे। बोले भैया ये कैसे भगवान जिसको झूठन फुटन के कोई पता नहीं। इतने में ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़ा और उनने सखाओं को कृष्ण ने, ब्रह्मा ने चोरी किया, चोरी करके उनको लेकर एक गुफा को अंदर में बंद कर दिया उनको। जब बंद कर दिया, इतने में ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में चले गए, लेकिन जब ब्रह्मलोक में गए ना, वो ब्रह्मलोक से पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके वहां पर पहुंच गए, और उनको दरवान को बोल दिया, बोले देखो मैंने देखा कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आए ना, उसको अंदर में घुसने मत दिया करो। और ब्रह्मा जब आए, उनका जो नौकर लोग थे ना, उनको ही वहां भगाए, बोले तू कहां से आ गया, हमारे हैं प्रभु तो सही बता रहे थे, अभी तो हमारे प्रभु जी अंदर में, तू कैसे आ गया। अरे ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये कौन है जो मेरे आसन को किसने दखल कर दिया। उसने देखा मेरा प्रभु स्वयं मेरे आसन पर, स्वयं मेरे प्रभु बैठ गए हैं। इसलिए इस विषय को हमारे बीच में हमारे श्री हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी इस विषय को हैं कुछ बोलेंगे आपको, खड़े कर बोलो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अशोक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपाल में गुरु वर्गों के चरणों में दंडवत प्रणाम। उसके पश्चात यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है ब्रह्म विमोहन लीला सुनाने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने श्रवण किया, इंद्र गए हैं ब्रह्मा जी के पास में कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने क्या कर दिया, कृष्ण की परीक्षा ले ली। ब्रह्मा जी वहां कहते बेटा तूने भी गलती कर दी, मैं भी फंस गया था, ये सुना ना, बछड़े छुपा दिए थे। ब्रह्मा जी तो देख रहे थे कि कृष्ण वहां पर बहुत सारे सखाओं के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ये सारे स्थान ब्रज में आज भी है, आज भी ये सारे स्थान है। अगर अभी हम तुम जाएंगे तो दिखा सकते हैं, सारे स्थान आज भी हैं। तो जब सखा वहाँ पे भोजन पा रहे हैं तो वहाँ पे बड़ी सुंदर लीला चल रही है। सभी बालक अपने अपने घर से बड़ी सुंदर सुंदर वस्तु बना करके लाए हैं और सब क्या कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण जो है हम जो घर से लाए हैं वो कृष्ण खाएं। सभी की ये चेष्टा है कि हम जो घर से बना करके लाए हैं कृष्ण उसी को ही पाए। लेकिन कृष्ण जो है और सब लोग क्या देख रहे हैं, कृष्ण मेरे से ही बात कर रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य है, ये कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी देखने वाली बात है, यहाँ कृष्ण की भगवत्ता भी है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन वो इतना छुपा हुआ है ब्रजवासियों के प्रेम से कि लगता है कि प्रेम इतना बढ़ गया कि ऐश्वर्य बिल्कुल छुपा हुआ है। तो हरे कृष्ण, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो वहां पर क्या देखा कृष्ण ने कि कृष्ण जो कोई भी वस्तु खा रहे हैं, कृष्ण कोई भी वस्तु खा रहे हैं तो सखा उनसे छीन करके खा लेते हैं, झूठा वूटा कुछ नहीं। जिसको देख करके ब्रह्मा जी बोलते कि वेद में तो झूठे सच्चे का वर्णन है कि उल्टे हाथ से नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी विधि है। अगर ये भगवान होते तो स्वयं मुझे जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया ये सब तो ये नहीं करते। तो ब्रह्मा जी को वहां पे क्या हो गया, ब्रह्मा जी वहां मोहित हो गए भगवान की लीला के ऊपर। उनके मन में शंका आ गई, योग माया जी की इच्छा, कृष्ण जी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी करनी है, इसी कारण से ब्रह्मा जी के मन में ये संशय आ गया। और ब्रह्मा जी ने क्या करा, जब बड़ी सुंदर लीला चल रही थी इसमें क्या हो रहा है, सभी लोग एक दूसरे का झूठा प्रसाद खा रहे, कभी कृष्ण के मुख से मधुमंगल छीन करके लड्डू खा जाते हैं, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, छले भले लड्डू खाए श्री मधुमंगल बगल बजाया दे हरि बोल भजो भक्त वत्सल श्री गौर हरि। बड़ी सुंदर ये भोग आरती है, ये वही की लीला है। हाँ तो जब ये देखा ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी सबको थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा सोचे क्यों ना मैं परीक्षा ले लूं, क्या ले लूं, परीक्षा ले लूं। ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं तो परीक्षा नहीं ले रहे हैं, ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान की इच्छा से ही ये लीला हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, वो सारे जो बछड़े थे उनको क्या करा, छुपा दिया, एक गुफा में छुपा दिया। और जब कृष्ण जब सारे सखा जब पा रहे थे उनको बोला, अरे बड़ी देर हो गई बछड़े नजर नहीं आ रहे, क्या बात है बछड़े कहाँ चले गए। कृष्ण कहते तुम बैठो मैं देख करके आता हूँ बछड़े कहाँ गए। कृष्ण देखने गए, वापस आकर के देखा तो बछड़े तो वहां नहीं मिले, यहाँ आकर के देखा तो सखा भी गायब। ब्रह्मा जी ने क्या करा, सखाओं को भी छुपा दिया। अब सखा भी नहीं और बछड़े भी नहीं, कृष्ण चिंता, बस जैसे ही उन्होंने चिंता जैसी भुकटी थोड़ी टेढ़ी करी, उनकी सर्वज्ञता शक्ति उसी समय बता देती है कि ये कार्य तो ब्रह्मा जी का है। बोला अच्छा तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तो कृष्ण ने वहां तीन चार कार्य किए। देखो यहाँ कितनी बड़ी बात है, वहां देखो ये पता चलता है कि भगवान कौन है, यहीं से ही पता चलता है। वहां पे तीन चार काम कृष्ण ने क्या करे, सबसे पहला कार्य क्या करा कि जो बछड़े और जो ग्वाल बाल जो ब्रह्मा जी ने छुपाए थे, कृष्ण वो ही सारे बछड़े और ग्वाल बाल बन गए, वैसे के वैसे, जिस ग्वाले ने जैसे कपड़े पहने थे वैसे ही कपड़े, वैसी ही आवाज, उसके हाथ में जैसा डंडा था वैसा ही डंडा, वैसी पगड़ी, और जो बछड़ा जैसा था सब वैसे ही बन गए। और दूसरा काम क्या किया, वो जो ब्रह्मा जी जिनको उठा करके ले गए थे, ब्रह्मा जी को उठाकर नहीं छू सकते ब्रजवासियों को, तो ब्रह्मा जी जिनको उठा करके ले गए हैं वो माया द्वारा बनाए हुए, योग माया द्वारा बनाए गए ब्रह्मा जी उनको उठा करके छुपाया, और जो असली जो है वही की वही जो है वो अदृश्य है, उन्हें कोई नहीं देख पा रहा, वही बैठे हैं उसी स्थान के ऊपर। और कृष्ण ने एक काम और किया, क्या किया, जो ब्रह्मा जी
जो ब्रह्म लोग हैं वहां जाकर के ब्रह्मा जी बन करके बैठ गए पहले से। और द्वारपालों को क्या बोल दिया, एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है मैंने सुना है, अगर वो आएगा तो उसको घुसने मत देना, नकली ब्रह्मा घूम रहा है। और ब्रह्मा जी ने तो बछड़े छुपा दिए, बोला आप देखता हूँ क्या होता है। ब्रह्मा जी अपने लोग को चले, वहां जाकर के देखा तो द्वारपाल अंदर नहीं जाने दे रहे, बोला ए नकली ब्रह्मा कहाँ आ रहे हो। बोला मैं नकली ब्रह्मा नहीं, मैं तो असली ब्रह्मा हूँ। बोला असली ब्रह्मा, असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए, हमें पता है कि एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, तुम नकली ब्रह्मा हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। वो तो समझ गए, बोला मेरी तो गई नौकरी, ये कौन है। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा झाक करके, बोला मैं एक बार देख तो लूं, तो झाक करके देखा तो वो ही स्वयं कृष्ण ही क्या बन करके बैठे हुए, ब्रह्मा बन करके बैठे हुए। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया मैंने गड़बड़ कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। और ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, एक नजर घुमा करके देख रहे हैं तो बछड़े जहां मैंने छुपाए थे वहीं पर ही है, जहां बछड़े छुपाए थे वहीं पर ही छुपे हुए। और एक तरफ नजर घुमा करके देख रहे तो बछड़े के सारे ब्रज में जैसे बछड़े घूम रहे थे वैसे ही घूम रहे हैं, ग्वाल वाल वैसे के वैसे ही हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला ऐसा तो नहीं कभी मैं यहाँ देखता हूँ तो इधर आ जाते हो, वहां देखता हूँ तो उधर आ जाते। ब्रह्मा जी कितने सिर हैं, चार सिर, दो इधर घुमाए दो उधर घुमाए, देखा तो दोनों तरफ है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई है। अब ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जो है वहां पर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रह्मा जी निकले वहां से, कृष्ण के पास आएंगे क्षमा मांगने के लिए। और यहाँ पर ब्रज में क्या हो रहा है, ये लीला एक साल तक चली, कितने साल तक, एक साल तक किसी को पता ही नहीं चला ब्रज के अंदर कि ये जो बछड़े हैं और ये जो ग्वालपाल हैं, जो ग्वालों के जो बच्चे हैं, ये वो साधारण ग्वालपाल नहीं, ये स्वयं कृष्ण ही है। ऐसा कृष्ण ने क्यों किया बताओ, कारण क्या है। तो कारण ये है कि जब कृष्ण यशोदा मैया की गोद में खेलते थे, यशोदा मैया का दुग्ध पान करते थे, तो जितनी और माएं जो थी ना ब्रज के अंदर, वो सोचती थी कि काश ये कृष्ण हमारे भी बेटे होते, जैसे ये यशोदा मैया दूध पिलाते ऐसे हम भी पिलाते, ऐसे स्नेह करते कृष्ण को खिलाते, है ना। और जो गाय थी करती थी कि काश ये कृष्ण हमारे बछड़ा होता और हम कृष्ण को क्या करते अपना दूध पान के लाते। जितने भी ब्रजवासियों की इच्छाएं कृष्ण सब पूर्ण करते हैं, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, कृष्ण है भक्तवांछा पूर्णकारी कृष्ण है। तो वहां पे कृष्ण क्या कर रहे हैं, इसीलिए सब ब्रजवासियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कृष्ण सारे बछड़े बन गए और क्या बन गए, ग्वाल वाल बन गए। और जब कृष्ण जब ये बन गए हैं, जैसे ही कृष्ण अब जब शाम को दोपहर में तो गाय चराने जाते हैं और शाम को गोचारण करके वापस घर आते हैं, अब जैसे ही वापस आ रहे हैं देखो आश्चर्य की बात यहाँ पर क्या है, क्योंकि अब जितने ग्वाल वाल और बछड़े कौन है, स्वयं कृष्ण ही है। तो जो गाय जो थी ना उनके इतना वात्सल्य उमड़ रहा है बछड़ों के प्रति, जो रोज होता था वैसा नहीं, उसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा, क्यों, क्योंकि बछड़ा नहीं आ रहे, वो कौन आ रहे हैं, स्वयं कृष्ण बछड़े बनकर के आए। और जो माए थी जो बच्चों का इंतजार साधारण रूप में करती थी कि बच्चे आ जाएंगे चला करके गाय, लेकिन आज माए बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रही है क्योंकि वो बच्चे नहीं आ रहे, कौन आ रहे हैं, स्वयं कृष्ण आ रहे हैं। और वात्सल्य इतना वात्सल्य उमड़ रहा है ब्रज के अंदर गौ का माताओं का, जिसको बोला अहोति धन्या ब्रज को रमण्या स्तन्या अमृतम पीतमति वते मुदा यासाम विभो बस तरह आत्मजात्मनाम यत्रिप्यते न अद्यापि न चालम अध्वरा। बोला जिन कृष्ण को जिन भगवान को बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े हवन संतुष्ट नहीं कर सकते, वो संतुष्ट नहीं हो पाते, लेकिन आज देखो इन ब्रज की रमणी ब्रज की माताओं का, इन ब्रज के जो गाय हैं इनका क्या सौभाग्य है कि बड़े बड़े यज्ञ जिन कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाते वो आज इनका दुग्ध पान करके पूर्ण रूप में क्या हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। और वात्सल्य रस की जैसे बाढ़ आई है ब्रज के अंदर में, इतना सुंदर वहां पर जो है वातावरण हो गया है ब्रज के अंदर में। क्या ऐसे सब कथा सुन करके हमें नहीं लगता कि हमारे साथ भी ऐसा कभी हो, है ऐसा लगता है ना, यही लोभ है, यही लोभ है। ये कथा श्रवण का जो उद्देश्य यही है कि ये लोभ जगे, ये भागवत श्रवण का उद्देश्य क्या है कि इसी प्रकार का लोभ हमारे अंदर जगे कि कब ऐसा दिन आएगा हम भी ऐसे ब्रज में होंगे, कृष्ण गाय चराते हुए आएंगे, ये सब लोभ। तो क्या हुआ, अब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का वहां पर एहसास हुआ, ब्रह्मा जी अब आएंगे, अब कृष्ण से क्षमा मांगेंगे। क्यों, ये ब्रह्मा जी किसको बता रहे, इंद्र को, कह रहे इंद्र जो गलती आपने करी गलती मेरे से भी हो गई थी, वो अपना इतिहास सुना रहे थे। अब क्या हुआ, अब ब्रह्मा जी जो है वो आकर के कृष्ण की बड़ी सुंदर वहां पे स्तुति करेंगे। और यहाँ पे एक और बात बड़ी ध्यान देने वाली है, आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी देवी देवताओं की गणेश की सभी कथा सुनी होंगी, लेकिन कृष्ण की लीला में जो बात जो सुनने में आता देखो कहीं सुनने में नहीं आता, यहीं से ही सिद्ध होता है कृष्ण ही भगवान है।
जैसा कि भागवत में बता, भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सर्वोत्कृष्ट उपास्य का वर्णन करता है। हमारा हिंदू धर्म में जन्म हुआ है ना, भारतीय संस्कृति में बड़ा कंफ्यूजन है, भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान कौन है कि नहीं, कंफ्यूजन रहता है। जब गणेश चतुर्थी आती है तो हम बोलते हैं गणेश जी आप ही भगवान है, आप ही सब कुछ, आप ही माता, आप ही पिता, मैं पुत्र, सब आपका और मैं आपका, ऐसा बोल देते। थोड़े देर में गणेश जी चले जाते, दुर्गा जी आ जाती, फिर वही सारी स्तुति दुर्गा जी पे लगा देते हैं, माता जी सब तेरा, मैं सब आपका और मैं आपका, और कोई कुछ नहीं, गणेश जी को भुला दिया है। थोड़े दिन में जन्माष्टमी आ जाती तो कृष्ण को भी यही बोल देते हैं, उसके बाद दिवाली आ जाती है तो लक्ष्मी को भी यही बोल देते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, ऐसा ही होता है ना। उसके बाद थोड़े देर आजकल तो क्रिसमस पे जीसस को भी यही बोलने लगते हैं लोग, फिर धीरे धीरे रामनवमी आती वहां भी यही बोल देते। तो ऐसा नहीं है, यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं जगत पिता कौन है, कि सृष्टि किन्होंने करी है, ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी के माध्यम से ही बताना चाह रहे हैं कि भगवान कौन है, क्योंकि जैसे ये पुत्र किसका है, जैसे कोई बोले कि मैं किसका पुत्र हूं, तो सही रूप में आंसर कौन दे सकता है, कौन बता सकता है, माँ ही बता सकती है कि ये किसका बेटा है, बता सकती है ना, कि सृष्टि किसने करी है, ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं कि भगवान कौन है। तो यहाँ पर यही ब्रह्मा जी बताने वाले हैं। तो और ये ब्रज के अंदर, और एक और विशेष बात देखो कृष्ण की लीला में, कि जो चीज ये कृष्ण का ही यहाँ पर ऐसा वैशिष्ट्य है कि जो चीज जगत में निकृष्ट है वो क्या हो जाती है, उत्कृष्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, उत्कृष्ट। और जो जगत में उत्कृष्ट वस्तु है वो निकृष्ट हो जाती है, ये कृष्ण की लीला का वर्णन। बोला यन मर्त्य लीलोपहितम स्वयोग माया बलम दर्शिता गृहतम, बोला भूषण भूषणांगम, इस श्लोक में बताया कि भूषण को भी, जो भूषण है उसको भी जो भूषणता प्रदान करने वाले कौन है, स्वयं कृष्ण। कैसे, उदाहरण से देखो, सारा जगत किसकी पूजा करता है, लक्ष्मी जी की पूजा करता है ना, लक्ष्मी कब हमारे घर में आएंगी, पूरा धन बारिश होती रहे। लेकिन ब्रज में वही लक्ष्मी जी कृष्ण ने रास लीला कर रहे, तो वही लक्ष्मी जी रास में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन वहां पे प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिसको विष्णु चक्र ठाकुर जी ने कहा, यस्मिन महारास विलास लीला ना प्राप्यांशिरपि सातपो भी तत्रोल्लसन मंजुनि कुंज पुंजे ममास्तु वृंदावनेव वास। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, देखो उत्कृष्ट वस्तु लक्ष्मी धन संपदा वहां पे क्या हो रही है, उत्कृष्ट हो जाती है। और निकृष्ट वस्तु देखो, जिनको जगत में क्या बोलते हैं, बेकार माना जाता है, चोरी करना क्या है, गंदा काम है, चोरी करना गंदा काम है ना, और युद्ध के मैदान में दुश्मन को छोड़ के भाग जाना कैसा है, बदनामी वाला काम। लेकिन जब उसी काम को कृष्ण करते हैं तो वही काम कैसा हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है, सर्वोत्कृष्ट। अभी सब लोग क्या बोलते हैं, माखन चोर माखन चोर, कितना आनंद आता है कृष्ण को माखन चोर बोलने में, आता है कि नहीं आता है, कितना आनंद आता है। तो चोराष्टकम लिख दिया, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, चोर चोर चोर, ये सब कुछ चुरा लेता है, मखन भी चुरा लेता है, गोपियों के हृदय भी चुरा लेता है, भक्तों के सारे पाप राशियों को चुरा लेता है, कैसा चोर है ये ब्रज के अंदर। तो ये क्या है, निकृष्ट वस्तु भी उत्कृष्ट हो जाती है। अब ब्रह्मा जी जो है वो, उनको समझ में आ गया कि मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, और ब्रह्मा जी छोड़ करके और हाथ जोड़ करके, ये देवता लोग कभी धरती पे नहीं आते, ये धरती से क्या रहते हैं, हमेशा ऊंचे रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी धड़ाम से आके धरती पे कृष्ण वहां पर ग्वाल वालों के साथ में बैठे हुए, कृष्ण वहां पर हाथ जोड़ करके बहुत सुंदर सुंदर वहां कृष्ण की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं, बोलते हैं, नौमिड्यते अग्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सफिर पिच्छल सन्मुखाय वन्य स्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी शिजे मधुप्रदे पशुपांग जाय। बड़ी सुंदर सुंदर वहां पे स्तुति करते हैं, और कृष्ण बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो रहे, कृष्ण देख भी नहीं रहे ब्रह्मा जी की तरफ, इधर मुंह करके अपने जो ग्वालों के साथ लीला चल रही है वो कर रहे हैं, हाथ में चावल दही है उसको खाए जा रहे हैं और आनंद किए जा रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करे जा रहे हैं, कृष्ण देख ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण मेरे से बहुत ज्यादा नाराज है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या करा, कृष्ण और ब्रजवासियों को दूर करने का चेष्टा किया, क्या किया, दूर किया ना, छुपा दिया। लेकिन जब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया, अगर इन्हीं ब्रजवासियों की अगर मैं स्तुति करूं, इन ब्रजवासियों की अगर महिमा गान करूं, तो हो सकता है कृष्ण मुझ पर संतुष्ट हो जाए,
तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक सम जन्मित परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम कृष्ण। और जैसे नंद बाबा यशोदा और ये सब नाम लिए तो कृष्ण वहां थोड़े संतुष्ट हुए, थोड़े मुस्कुराए। ब्रह्मा जी समझ गए कि चलो थोड़ी थोड़ी बात बन रही है। और जब कृष्ण ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण थोड़े संतुष्ट हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी क्या करे, जल्दी जल्दी कृष्ण की परिक्रमा लगाए। चार परिक्रमा भी नहीं लगाई, चार लगाते ना, तीन लगा के भाग्य क्या पता फिर कुछ हो जाए। इतना भय कृष्ण का वहां पर है। ये देवी देवता, जिन देवी देवताओं को हम सब कुछ मानते हैं, ये देवी देवता कृष्ण के आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ करके। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवन्ति दिव्य स्तवे वेदे सांग पदक्रम। सांग वेद की जो ऋचाओं से जो भी ब्रह्मा रुद्र महेश गणेश ये सब भगवान की जिनकी स्तुतियां करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे हैं। कोई साधारण नहीं कर रहा है लीला। कौन कर रहे हैं? स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वहां ब्रज में लीला कर रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण की लीला हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कथा श्रवण का एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र उद्देश्य क्या है कि कथा श्रवण करते करते हमारे मन में ये लोभ जगे कि हमें भी वहां पर जाना है, ऐसे धाम में जाना है। जो कैसा है, चिंता मणि प्रकर सद मशुकल्प वृक्ष। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वयं, क्या कह रहे हैं? चिंता मणि प्रकर सद मशुकल्प वृक्ष लक्षावतेषु सुरभिरपि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ऐसे गोविंद की वहां पे भजन करता हूँ, गोविंद की प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे। सहस्त्र लक्ष्मी संभ्रम झाड़ू की सेवा, संभ्रम सेवा करती कि कब हमारी नौकरी चली जाएगी। एक लक्ष्मी के पीछे हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनको मनाने की, उनकी पूजा करते हैं, उनको कितना कुछ करते हैं, लेकिन वहां सहस्त्र लक्ष्मी, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और परम यहाँ बैठे इस स्थान का कोई मतलब, वो यहाँ का ईश्वर है, एक स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर एक ईश्वर, वो भी एक ईश्वर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, वो भी एक ईश्वर है। मान लो यूनाइटेड नेशन का कोई हेड है तो वो भी एक ईश्वर है, उसकी भी कुछ पावर है। ऐसी बात नहीं पावर नहीं, पावर है। इस धरती का भी कोई ईश्वर होगा, स्वर्ग सब लोगों के कोई ना कोई ईश्वर। लेकिन बताया इन सभी ईश्वरों का जो ईश्वर है, बोला ईश्वर परम कृष्ण, और उनका रूप कैसा है? सच्चित आनंद से बना उनका रूप है। अनादिर आदिर गोविंदा, वो सबके कारण है लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। कि कौन कह रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा, चार मुख वाले इस संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मा से विद्वान, ब्रह्मा से श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं है, वो इस बात को बोल रहे हैं। और हमारी उस परंपरा के आदि गुरु हैं ब्रह्मा जी, वो इस बात को बोल रहे हैं। और एक और देखो, ये हम ब्रज की लीला श्रवण कर रहे हैं ना, बड़ी सुंदर सुंदर ब्रज की लीला। यहाँ पे ब्रह्मा जी एक और बात बता रहे हैं। हम लोग बोलते हैं हम तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, लेकिन ठाकुर जी तो खाते नहीं। हम कैसे खाते हैं? ऐसे रोटी तोड़ते हैं, ऐसे दाल में डुबोते हैं, या फिर चावल में डुबोते हैं दाल को, फिर खा जाते हैं। ऐसे ऐसे खाते हैं ना हम लोग। बोलो भगवान तो नहीं खाते, हम तो भोग लगाते हैं, भगवान तो बस देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, भगवान तो खाते नहीं है। तो भी भगवान ने पाया कि नहीं पाया कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कृष्ण की हर एक इंद्रिय संपूर्ण है। हम लोग केवल आँख से देख सकते हैं, लेकिन कृष्ण के ऐसे नहीं है। भगवान आँख से खा भी सकते हैं, आँख से देख भी सकते हैं, आँख से मार भी सकते हैं। गोपियां कह रही है ना, युद्ध के मैदान में जब तुम बताते थे अर्जुन को, ये देखो तुमको आज इनसे युद्ध करना है, उसी क्षण कृष्ण सबको मार दिया करते। अर्जुन केवल थोड़ा सा तीर चलाकर थोड़ा सा काम करता था, लेकिन मेन काम कौन करते था? स्वयं कृष्ण करते थे। एक और उदाहरण देखो, पूतना है, पूतना का वध कृष्ण ने कैसे किया? ये होंठों से कर दिया। इतनी भयंकर, इतनी बड़ी, कितने कोस की पूतना थी, केवल ये होंठों से। और दूध पान करने से स्तन को पान करते करते प्राण कोई कर सकता है? इस जगत में कोई ऐसा कर सकता है? ये कोमल होंठ, कितने साल के, कितने दिन के? 6 दिन के मुश्किल से, और अपने होंठों से पूतना को मार दिया। इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कृष्ण की इंद्रियां कैसी है कि एक एक इंद्र से संपूर्ण इंद्रियों के कार्य कृष्ण कर सकते हैं। अंगानी अस्य सकले इंद्रिय वृत्तिवन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसलिए कृष्ण जो विग्रह को भोग लगाते हैं ना, ऐसा नहीं समझना कृष्ण नहीं खा रहे, वो दृष्टि से ही सब कुछ काम कर देते। क्या कर देते हैं? दृष्टि से भोग। आप जगन्नाथपुरी गए हैं सब लोग? जगन्नाथपुरी का नाम सुना है? चार धाम में से एक धाम क्या है? वो जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण है।
वहां पे कैसे भोग लगता है? जब जगन्नाथ रथ पर बैठ करके निकलते हैं ना, तो जाकर रथ में कोई भोग नहीं, पंडित जी कुछ भी खरीद करके लाओ, क्या करते हैं जगन्नाथ जी को ऐसे दिखाते हैं, बस भोग लग गया, बोलो लो प्रसाद ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी आंखों से ही मान लेते हैं। इसलिए ये सारी बड़े गूढ़ रहस्य भागवत के अंदर सब छुपे हुए हैं कि भगवान कौन है, भगवान क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और भगवान की बड़ी मधुर लीलाएं। इन लीलाओं को श्रवण करके हमारे हृदय में भी लोभ जागेगा कि काश कभी हमारे साथ में भी ऐसा हो, हम भी ब्रज में जाएं। लेकिन ये तो बड़ी दूर है, लेकिन इसी लोभ को हृदय में रखते हुए जो भगवान की भक्ति हमें करना चाहिए, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यही बोल करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्री जोग मायांगमुपाश्रिता। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी अभी प्रभु जी का रास लीला वर्णना कर रहे हैं। जो वो रास वर्णना करने जा रहे थे, रास मतलब क्या है? बोले रसानाम समूह इति रास, जहाँ पर केवल रसी रस है। लेकिन जो वो लीला को वर्णना करने जा रहे थे, वो जो पहला शब्द उच्चारण किया ना, बोले भगवान। ये रास कौन कर रहे हैं? वो कोई जीव नहीं कर रही है, ठाकुर जी कर रहे हैं। बोले भगवान का मतलब क्या होता है? बोले भग मतलब होता है ऐश्वर्य, बान मतलब सारे ऐश्वर्य का जो मालिक, हम कहते ना धनवान बलवान हैं, मतलब उसका जो अधीश्वर है। उसी तरह जो भगवान, ये भग मतलब होता है जिनके अंदर में छह ऐश्वर्य परिपूर्ण में हो। जैसे तैसे व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। कहते वो छह ऐश्वर्य क्या है? बोले समग्रसस ऐश्वर्य से वीर्यस जसस श्रिय ज्ञान वैराग्यस चैव शरणांग भव इति गणा। कहते ये छह ऐश्वर्य क्या क्या? बोले समग्रसस ऐश्वर्य से सारे ऐश्वर्य का जो मालिक है, लक्ष्मी जिनके चरण की सेवा करती हैं, ये भगवान है। हैं अभी सुन रहे थे ना, जहाँ वृंदावन में हजार लक्ष्मियाँ जहाँ पर झाड़ू लगाती हैं। इसलिए समग्र ऐश्वर्य समग्र वीर्य जो पराक्रम, जिनसे बड़ा पराक्रम कोई नहीं, छः दिन में जिन्होंने पुतना को मार दिए, एक महीना में जिसने तृणावर्त को, तीन महीना में शकटासुर को, चार साल में बकासुर को, पाँच महीना में अघासुर को, छः सालों में उन्होंने श्री काली को सर पर नृत्य की, सात साल में गिरिराज को उठा ली, जिनकी पराक्रम से दुनिया में जिनसे बड़ा पराक्रमी जगत में कोई नहीं। जो वैराग्य ज्ञान, ज्ञान की बात क्या सुनोगे? कृष्ण तो 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन किया। जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, जैसे कोई साइंस पढ़ता है, कोई सीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, देखना जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते उसको समाप्त नहीं कर पाते हैं। जगत में जितने 8 से विद्या हैं वो 64 तरह का है। कृष्ण 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को अध्ययन किया। गुरु तो देख करके अक्के बके चक्के हो गए। बोले एक स्टूडेंट पढ़ने आता है, जिंदगी भर एक विद्या को आयत नहीं कर पाता, ये तो 64 दिन में 64 विद्या को पढ़ लिए। उसने अपना पत्नी को बोला, बोले देखो ये जो कृष्ण बलराम लगता है ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान है। बोले इसको परीक्षा हम करेंगे। बोले कैसे? बोले जाते समय गुरु दक्षिणा देगा, गुरु जी को गुरु दक्षिणा देगा। हम ऐसे एक चीज उनसे मांगेंगे जो केवल भगवान ही कर सकते, जो कोई कर ही नहीं सकता है। बोले क्या मांगेंगे? बोले बचपन में हमारा बच्चा मारा गया, हम बोलेंगे मृत पुत्र को तुम वापस लाओ। और उन्होंने मांगे तो कृष्ण स्वयं जब महाराज के पास में गए, शंख बजाए, स्वयं जब थरथर थरथर कांपते कांपते आए, बोले लगता है मेरा ही नंबर आ गया है। क्योंकि ये कृष्णा अवतार में सभी की घमंड उन्होंने चकनाचूर किया है। बोले प्रभु क्या सेवा करें? बोले मेरे गुरुपुत्र को वापस दो। उन्होंने मरे हुए बच्चों को उन्होंने जम लोग से वापस लेकर के आए। गुरु जी ने इतने खुश हो गए, बोले बेटा गुरु दक्षिणा किसी ने नहीं दिया। फिर ये बात को जब देवकी ने सुना, बोले बेटा मेरा भी छः छः बच्चों को कंस ने मार डाला, मेरे मन में भी इच्छा बच्चे को देखने के लिए, कृष्ण फिर उनको लेकर गया।
इसलिए कहते सारे ज्ञान, सारे ऐश्वर्य, सारे पराक्रम जो जिनसे कोई नहीं कहते वो भगवान है। इसलिए रास से पहले सुखदेव गोस्वामी कहते बोले सावधान। इसलिए कोई कोई कहते ना, अरे क्या भगवान रास कर सकते, हम क्या रास नहीं कर सकते, क्या कृष्ण ही गोपियों को लेकर नाच सकते? बोले नहीं हैं, तुम कर नहीं सकते हो। आप लोग ने शादी किए हो? कौन कौन शादी किए हाथ उठाओ, तुम हर हाथ उठा शर्मा तो क्यों। लेकिन आपको पता होगा एक पत्नी को पालन करना कितना कठिन है, एक पत्नी को पालन करना कितना कठिन है आपको सब से पता होगा, एक पत्नी को झेलना कितना कठिन हो रहा है पालन करना। लेकिन कृष्ण जब रास करते हैं कितने गोपियों को साथ में, सहकरणों गोपियों को साथ में। जब कृष्ण द्वारका में जाते हैं 16108 पटरानियों को साथ में प्रभु विहार करते हैं। नारद जी एक समय देखने के लिए गए, घर में अगर दो पत्नी हो जाए ना फिर तो देखना दिन भर महाभारत घर में चलेगी। कहते एक पति, एक व्यक्ति का दो पत्नी थी, दो पत्नी में अभी पति दिन भर बाहर काम करता है, घर में जब आता है सोचता है घर में जाऊंगा तो पत्नी थोड़ी सी प्रेम करेगी, मीठी मीठी बोली बोलेगी, प्यार से रोटी खिलाएगी, घर में आओ तो रोज महाभारत लड़ाई झगड़ा। उसने सोचा एक काम करता हूँ, एक को ऊपर और एक को नीचे कर देता हूँ, इसलिए दो मंजिली मकान बना दिया, फिर चैन से रहेंगे। अभी जो नीचे रहती हैं जब पति आता है ना वो पकड़ करके सीधा घर ले जाती है और उसको ऊपर जाने नहीं देती। जो ऊपर रहती है बेचारी बड़ी दुखी। एक दिन वो ऊपर से उतर कर नीचे आ गए, बोले आज मैं मजा चखाऊंगी, रोज नीचे चले जाते हैं। जब पति आए बोले मैं रोज ऊपर में खाना बना कर बैठ रह जाती, अब नीचे चले जाते, ऊपर चलो। जब पकड़ करके ले जा रहे थे ना जो नीचे था, बोले ऊपर कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो खाना बना कर बैठी हुई हूँ। एक तो हाथ पकड़ कर खींच रहा है और उसके टांग पकड़ कर खींच रही है, अभी कोई छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। इतने में घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया था, बोले ये क्या हो रहा है, एक व्यक्ति का दो पत्नी होने पर क्या घर में कैसे नाटक हो रहा है। वो तो देखते रह गया जो चोरी करने के लिए आया था। जब बड़े देर में इनकी झगड़ा समाप्त हुई देखा घर में एक चोर घुसा हुआ, पकड़ करके पुलिस को पास में ले गए, बोले इसको क्या सजा दिया जाए, देखो चोर क्या कहता है। बोले मेरे को जो सजा देना सब दो लेकिन एक सजा मत दिया करो। बोले क्या, बोले मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए, दो बीवी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने स्वयं देख लिया है। लेकिन एक पत्नी को संभालना, दो पत्नी का संभालना कठिन। एक दिन नारद जी द्वारका में पहुंचे, बोले इतने पटरानी को कृष्ण कैसे संभालते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले रुक्मिणी को घर में गए, देखा तो भगवान बैठी करके यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण उनको स्वागत किया, बोले बड़े दिनों से आए हो, उनको पूजा सेवा की। जब वहाँ से विदाई लेकर के सत्यभामा को घर में गए, देखा वहाँ पर बैठ करके बच्चों को कृष्ण पढ़ा रहे थे। यहाँ से विदाई दिया, जब दूसरे महल में गए तो कृष्ण कहते हैं बाबा अब तो बड़े दिनों में आए हो, बीच बीच में आया कब। अभी जिन जिन घर में नारद जी गए भगवान को अलग 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 लीला करते हुए ठाकुर को देखा, नारद तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले भगवान की क्या अद्भुत, भगवान की क्या अद्भुत विभूति हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो रास रचया है ये कोई जीव नहीं। हम आगे सुनेंगे स्वयं भोले बाबा भी ये रास दर्शन करने के लिए गोपीश्वर महादेव रूप में आते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, गोपीश्वर महादेव पड़ गया उनका नाम। फिर शंकर जी फिर कोई गोप धारण रूप धारण किया है। लेकिन साधारण लोग का जो धारणा है ना, कृष्ण से आज कोई काम भोग कर रहे थे, नहीं, रास मतलब होता है जहाँ पर रस ही है, जहाँ पर संपूर्ण, जहाँ पर मिलन है, जहाँ पर ये आनंद है, कहते ये श्री रास लीला है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी रास का प्रारंभ में सावधान कर देते हैं, बोले सावधान ये रास रचया कोई जीव नहीं, ये भगवान है। इसलिए जब प्रभु रास कर रहे थे एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, लेकिन सब गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में, सौ करोड़ों गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में ही, कृष्ण और किसको पास में ही नहीं, ऐसे अद्भुत लीला ठाकुर जी की है। अभी ये रासलीला संबंध में हमारे एक छोटा एक बच्चा है, आपको इसी विषय पर आपको ये रासलीला के ऊपर में उन्होंने कुछ बात बताएंगे।
बोले श्री रास बिहारी भगवान की जय। बोले श्री रास रचैया की जय। जय जय श्री राधे। जोर से हाथ मिलाओ। बोले जय जय श्री राधे। जय जय श्री। यहाँ पर खड़े तुम तो ठीक से ले सके। जय जय श्री राधे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नौमिद्यते भ्रमपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिविच्छलसन्मुखाय वन्येश्चे कवलबेत्रविशालवेणु लक्ष्मश्रियः मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। हरे कृष्णा। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रतिनिक अखिल गुणगणालय भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्री महाराज जी के श्री चरणों में बैठ कर के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य श्री गुरुदेव के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाल श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया आप सभी को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि इस अभूतपूर्व और दिव्य लीला पर मैं उनकी कृपा से कुछ कहें और सुन पाऊँ। देखिए भगवान क्यों आते हैं लीला करने। भगवान लीला करने आते हैं, आपका प्रश्न भी होगा क्यों आते हैं भगवान लीला करने। क्या भगवान असुरों को मारने के लिए आते हैं? भगवान क्या असुरों को मारने के लिए आते हैं? भगवान को यदि असुर ही मारने होते तो भगवान अपने लोक में संकल्प मात्र करते, बस एक संकल्प कर लेते कंस की अभी मृत्यु हो जाए तुरंत कंस चला जाता, रावण अभी चला जाए तुरंत रावण चला जाता। लेकिन फिर भगवान क्यों आए हैं? कोई कहे भूमि भार तारिबे को आए हरि, कोई कहे असुर संघारिबे को आए हैं। कोई कहता है कि भूमि का भार डालने आए हैं हरि, कोई कहता है असुर का संहार करने आए हैं। आए हैं लेकिन ये गौण, इसका ये गौण अर्थ है, गौण कारण है। देखिए भगवान की लीला दो प्रकार की है, श्रीपाद चक्रवर्ती कह रहे हैं, एक तो प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला। प्रकट लीला वो होती है जो संसार या फिर अन्य देख पा रहे हैं भगवान को, लेकिन एक होती है अप्रकट लीला। वो लीला भगवान की लीला साधारण चक्षुओं से नहीं दिखती, वो श्री भगवान की दिव्य कृपा होती है तभी दिखती है वह लीला। फिर भगवान क्यों आए हैं, अब आपका प्रश्न है क्यों आए हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि मैं वहां पर बैठे बैठे असुरों को तो मार सकता था, पर वहां पे बैठे बैठे मैं तीन काम नहीं कर सकता था। कौन सा? पर बैठे गोपिन के माखन कैसे ले तो खाए, हाँ पर बैठे विदुरानी को छिलका कैसे ले तो खाए, हाँ पर बैठे शबरी के फल को कैसे ले तो खाए, तज देऊं भल ही शेष सिंहासन पर भक्तन की पीर सही ना जाए। भगवान सब कुछ सहन कर लेंगे पर अपने भक्तों की पुकार भगवान सहन नहीं करते हैं। इस कारण से देखिए महाराज जी ने, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि मैं श्री रासलीला पर कुछ बोलूं। पहला श्लोक रासलीला का गुरुदेव ने उच्चरित कर दिया एक बार फिर से। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम्बुपाश्रिताः तदोडुरो राजः ककुवर्धन प्राच्छान लिम्पन नरुनेन संतमय विवरचनी नाम उद्गाचुचो प्रियं प्रियायाव दीर्घदर्शयन् दृष्ट्वा कुमुत्तव खंडमंडलम रमाननाभम्य कुमकुमारुणम वनम च तत्त्वो मलगोपीरंजितम जगौकलम वाम दृशाम मनोहरम निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला दुहंत्यो भीययो काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका
पयोधि सत्व संयाव मर्दवाश्चा परायो परिवेशयन्धित्वा पारयन्तः शुशुन्पयः शुश्रूषन्दिं पतिं काश्चित् अश्यन्योपाश्य भोजनं लिम्पन्त्यप्रम्रजन्तुन्या अञ्जन्त्यः काश्यलोचने व्यक्तस्थवस्त्राभरणात् काश्चित् कृष्णान्तिकमययो तावर्यमाना पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दात्मानं नग्नवरदन्तमोहिता अन्तर्मिः घृता काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्ता तद्दुर्मीलितलोचना दुस्सह पृष्ठविरहतिव्रता पशुता शुभा ध्यान प्राप्ता च तश्लेष निर्विक्त्या क्षीणवन्दना श्रीराजोवाच कृष्णं विदुपरं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहु परमस्ताशां गुणधयां कथं श्रीशुक उवाच उत्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्ध्यं यथागतः दुशनपि ऋषिकेश किमता सुजनक प्रिया निर्णाम निःश्रेयसार्थाय भगवते नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं विरो विदितो तान्तन्मेतान् हिते। पहले यहाँ तक सुन लीजिए, ये रासलीला, ये सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार से परम वैरागी श्री परीक्षित को सुना रहे हैं, यह उस प्रकार का था। भगवान अपि तारात्रि, बताया है गुरुदेव ने कि इस लीला को कौन कर रहा है, स्वयं श्री भगवान, साधारण नहीं। अच्छा, प्रश्न आता है कि भगवान ने रासलीला क्यों करी, आप लोगों को ये भी तो सुनना है ना रासलीला। ये देखो, देखिए श्रीमद् भागवत जी का हृदय है रासलीला, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का प्राण है श्री गोपी गीत, जो कि रासलीला में ही है। एक बार मैं इस्कॉन गया था, जब मैं स्टडीज करता था दिल्ली में, तो तब मेरे को इस्कॉन जाना वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैं इस्कॉन गया तो वहाँ पे कुछ लोग इस्कॉन के टीनेजर्स लोग थे, बच्चे थे, तो वहाँ पे मुझे यूँ बोले कि कहाँ से आए, तो मैंने बताया कि मैं गौड़िया मठ से हूँ। बोले अच्छा, तो उन्होंने प्रश्न दिए 10, उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, 10 प्रश्न का पेपर दिया एग्जामिनेशन कि आप एक बार इसको करो, आप में कितनी बुद्धि है। तो श्री गुरुदेव की कृपा से मैंने उन 10 प्रश्नों का उत्तर दिया, उसमें से 9 ठीक आए, एक नहीं आया। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप कहाँ से हो, मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे श्रीपाद श्री महाराज जी का शिष्य हूँ, और वहाँ से बोले अच्छा। उन्होंने कहा कि आप हमारे इस्कॉन को ज्वाइन करो, तो आपको ये फैकल्टी और ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, शांति किस प्रकार से मिलती है यह बताएंगे, आपको परम शांति की अनुभूति होगी। तो मैंने कहा ठीक है मान्यवर, ये बात ठीक है, मेरा परम सौभाग्य है आपने मुझको इनविटेशन दिया, पर एक बात, क्या आप मुझे बताएंगे, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं। तो उन्होंने कहा पूछिए। तब मैंने कहा ये बताइए श्रीमद् भागवत जी का प्राण क्या है। मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा जिनके घर में रेंट पे था, तो वो किराएदार का बच्चा था, तो वो भी मेरे साथ गया था। तो मैंने पूछा कि बताइए श्रीमद् भागवत जी का प्राण क्या है। भैया वो नहीं बता पाए कि श्रीमद् भागवत जी का प्राण क्या है। मैंने कहा देखिए मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, जहाँ पे केवल और केवल राधा दास्यम का पालन कैसे होता है यह सिखाया जाता है, इसलिए भगवान रासलीला का जो प्राण है वह श्री गोपी गीत, भागवत जी का जो प्राण है वह श्री गोपी गीत है। तब उन्होंने कहा वाह धन्य है तुम्हारे गुरु। तो भगवान अपि तारात्रि, देखिए सब कुछ भगवान ने स्पेशल स्पेशल क्रिएट किया है, यहाँ पे साधारण चीज नहीं है। भगवान तो है ही है, यहाँ नायक है भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद तारात्रि, भगवान ने रात्रि बनाई है। वो रात्रि क्या है, वो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ब्रह्मरात्रौ विचार्यैव, ब्रह्मरात्रि 6 महीने की, 6 मास की लीला है ऐसे ही। फिर उसके बाद भगवान अपि तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु का आगमन हुआ है। विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, पहले श्री भगवान ने, मानो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं पहले श्लोक का, कि श्री भगवान ने मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, पहले रासलीला करने से पहले श्री राधा रानी को वंदन किया है। योग मायाम उपाश्रिताम योगायाम मायायाम इति राधायाम ताह उपाश्रिता, श्री राधा रानी का वंदन किया है कि चलिए प्रियाजू रास में चलिए। योग मायाम उपाश्रिता, चंद्रमा विशेष हुआ है, और सभी सारे के सारे कारण भगवान ने दिव्य दिव्य किए हैं, अलग अलग चीज भगवान ने वही संकल्प किया है, सबके सब पूरा पर्यावरण उपस्थित हो गया। अब नायक तो आ गए, नायिका आनी बाकी है, गोपियां आनी बाकी है। गोपियां कैसे आई हैं,
भगवान ने वंशी बजाई है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाह। भगवान ने निशम्य शब्द से भगवान ने वंशी बजाई और क्या शब्द बजाया उसमें, क्लीम। क्लीम क्या है, क्लीम शब्द का अर्थ क्या है, ककारो नायिका कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी। श्री राधा रानी का वंदन किया है। उसके बाद जब ये वंशी बजाई है तो उसके बाद सारी की सारी गोपियां अपने अपने देखो काम में लगी हुई हैं। कोई गोपी दूध निकाल रही है गाय का, दुहंत्यो भी ययो काश्चिद् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधीशत्व संयाव मदवाशा परायो। गोपी दूध निकाल रही है, इतने में वंशी की ध्वनि पहुंची गोपी के कान में। दूध निकाल रही है वो गोपी, वंशी की ध्वनि ने कहा चल चल गोपी चल जल्दी चल, भगवान रास में बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, श्री कृष्ण बुला रहे हैं। गोपी ने कहा ठीक है चलूं, तो थोड़ी सी आगे गई लेकिन वो आधी बाल्टी जो दूध निकाल लिया था गोपी ने उसको हाथ से फैला दिया। वंशी ने पूछा ठीक है भगवान बुला श्री कृष्ण बुला रहे हैं तू चल, लेकिन वो आधी बाल्टी दूध तूने क्यों फैला दिया। उसने कहा भगवान के साथ विहार करते समय श्री कृष्ण का दर्शन करते समय यदि गलती से ये आधी बाल्टी दूध याद आ जाएगा तो उतनी देर के लिए मैं श्री कृष्ण रस से वंचित हो जाऊंगी। तो मानो गोपी समस्त इंद्रियों का परित्याग करके और श्री कृष्ण दर्शन के लिए चली। पहला कारण। दूसरा, दुहंत्यो भी यो काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधी शत्व संयाव मर्दवाशा परायो। कोई गोपी भोजन परोस रही अपने बच्चों को, तो जैसे ही वंशी पहुंची है तो गोपी के कान में पड़ी है, समझ गई गोपी श्री भगवान बुला रहे, कृष्ण बुला रहे हैं, हमारे प्राण प्रिय बुला रहे हैं। वो जो छबड़िया थी जिसमें वो सर्व कर रही थी, भोजन परोस रही थी, और छबड़िया को छोड़ा और तुरंत श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंची। उसके बाद एक गोपी है, अंजंत काश्यलोचने व्यक्तस्त वस्त्राभरणात्। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एकदम से वंशी की ध्वनि पहुंची गोपी के कान में, एकदम से गोपी का मन जो है भगवान से मिलने के लिए ऐसा तड़प उठा, श्री कृष्ण बुला रहे हैं, मेरे प्राण प्रिय बुला रहे हैं। तो गोपी ने क्या किया, अस्त व्यस्त वस्त्राभरणात्, व्यक्तस्त वस्त्राभरणात्, अस्त व्यस्त वस्त्रों को पहन के चली। आंख से पहन तो ले हैं जो यह नहीं देखते कि कौन सुंदर है, क्योंकि असुंदर है सुंदर शेखरोवा गुणिर विहीनो गुणिनाम बरोवा द्वेषाम अपीशाम करुणा बुधिर्व कृष्णस एव आत्मगतिर ममस्तु। प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु को असुंदर, वो कह रहा था हिरण्यकश्यपु है वो तो असुंदर है, वो कोई सुंदर है। प्रहलाद जी बोले नहीं नहीं असुंदर चल, असुंदर है सुंदर शेखरोवा, असुंदर की क्या बात करते हो, तो सुंदर शेखर सुंदर है। इस कारण से गोपी पहुंची। एक गोपी को रास में रोक लिया गया, काशिद कृष्णांतिकमयो तावर्य माना पतिविहि पितृविहि भ्रातृ बंधुविहि गोविंदात्मानं नंगवर्तन्तमोहिता। एक गोपी को रोक लिया रास जाने के लिए, नहीं 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 तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। उसने कहा छोड़ छोड़ मैं जाऊंगी जाऊंगी। जब अतिक्रमण हो गया तब उस गोपी ने कहा ये शरीर तेरी माता है ना, ये शरीर तेरी पुत्री है ना, ये शरीर तेरी बहन है ना, ले मैं शरीर का ही परित्याग करती हूँ और मानो पर ब्रह्म अपने अंदर के दिव्य वेग से श्री कृष्ण नाम स्मरण करते हुए वो अपनी देह को लेकर के श्री कृष्ण के यहाँ रास में पहुंच गई। इस कारण से कोई नहीं देख रहा कि कौन परिजन जन परिजन क्या है क्या नहीं है, केवल और केवल हमारे प्राण प्रिय बुला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला क्यों करी, सब लोग पूछते हैं क्यों करी, एक ही उत्तर है भगवान वांछा का भक्त वांछा कल्पतरु है और गोपी प्रेम की ध्वजा। नारद जी कह रहे हैं गोपी जो है वो प्रेमाग्रगण्या है, गोपियों से ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण को कोई नहीं करता है। इस कारण से भगवान ने गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए श्री रासलीला में रासलीला करी है। और लोग कहते हैं कि रासलीला जो है उसका अनर्थ लेते हैं, अरे पहले बात तो ये है कि इस रासलीला को कह कौन रहा है, स्वयं सुखदेव गोस्वामी जो कृष्ण द्वैपायन पायन व्यास के बच्चे हैं और सुन रहे हैं बड़े बड़े ब्रह्मऋषि राजऋषि वेदऋषि मनीषी न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योगिंद्र मुनिंद्र। सोचिए क्या यदि अनर्गल लीला होती है तो इतने बड़े श्रेष्ठ पुरुष के ब्रह्मऋषियों को ये लीला सुनाते, लेकिन ये नहीं है। तो क्योंकि भगवान ने लीला पराभक्ति को प्रदान करने के लिए,
पराभक्ति को प्रदान करने के लिए यह लीला करी है। कहाँ लिखा हुआ है? रासलीला की फलश्रुति में। विक्रीडितं ब्रजवधू विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वतोऽनुसृणया दत्त वर्णयित्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगम स्वपहिनोत्य चिरेण धीर। भगवान इस दिव्य रासलीला को जो श्रवण करता है उसको पराभक्ति की प्राप्ति होती है और काम का भंजन होता है। काम अंदर से काम को भगवान खींचते हैं। तो सारी की सारी गोपियां रासलीला में पहुंच रास में प्रवेश कर लिया सारी गोपियों ने। अच्छा, एक लीला है भगवान शंकर की, जो लीला है जो गुरुदेव ने बताया गोपेश्वर लीला है, तो उसको गर्ग संहिता के हिसाब से मैं आपको सुनाऊंगा। जब गोपेश्वर महादेव भगवान को इच्छा हुई, श्री शंकर भगवान को इच्छा हुई कि भगवान रासलीला में पहुंचे हैं, मेरी इच्छा है श्री भगवान के साथ भगवान का दिव्य नृत्य करने की, या भगवान के साथ देखने की, या भगवान के साथ दिव्य नृत्य करने की। तो क्या हुआ? गर्ग संहिता के अनुसार श्री शंकर जी स्वयं अन्नपूर्णा जी के पास गए हैं। अन्नपूर्णा जी के पास जाकर के शिव जी ने कहा भिक्षाम देहि। माता ले आई, अन्नपूर्णा जी ले आई फल कंद मूल इत्यादि, तो जैसे डालने लगे तो कहा शंकर जी ने, माता, कहा शंकर जी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे समस्त कार्य सिद्ध्यार्थम। कहा कि आज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे अन्नपूर्णे, आज मुझे ये कंद फूल फल इत्यादि नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आज मुझे? तो तू अपना स्वरूप दे दे, आज तो मुझे गोपी वेश में श्रृंगारित कर दे। कई जगह लिखा हुआ है श्री नद्याहत्याह, भगवान शंकर जी ने नदी में डुबकी लगाई है तब गोपी बने हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है गर्ग संहिता में कि स्वयं अन्नपूर्णा जी ने श्रृंगार किया है। इतना सुंदर श्रृंगार किया है अन्नपूर्णा जी ने श्री शंकर भगवान का, और महाराज पैरों के अंदर दिव्य नूपुर स्थापित किए हैं, लहंगा पहनाया है शंकर भगवान को, नथनी पहनाई है, और महाराज आंखों में भीमसेनी मोटी मोटी काजल घुसेड़ी है श्री शंकर भगवान के, और दिव्य लहंगा फरिया डाल करके उड़ा करके रास में प्रवेश किया है शंकर जी ने। पर वो रास में प्रवेश नहीं कर पाए, वो बाहर ही थे। भगवान आए सारी गोपियां, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपी से, विशाखा जी से कहा, विशाखा जरा देखिए मोटी मोटी गोपी पहली बार दिख रही है, कहां से आ गई? तो जाकर के विशाखा जी ने देखा, विशाखा जी ने ऊपर किया घूंघट तो देखा बड़ी सुंदर बिंदी सुशोभित हो रही है, बड़ा सुंदर काजल सुशोभित हो रहा है, बड़ी सुंदर नथनी सुशोभित हो रही है, कुंडल सुशोभित हो रहा है, उसके साथ साथ महाराज तुर्रादार मूछ भी सुशोभित हो रही है। बोले कि ये कोई गोपी नहीं है, ये तो कैलाश से गोपी चल कर आई है, गोपेश्वर महादेव की जय। तो भगवान तो उनको रासलीला, क्योंकि केवल और केवल परम पुरुष श्री कृष्ण हैं, इसलिए वे रासलीला से बाहर से ही दर्शन जो है उनको हुआ, इस कारण से रासलीला में प्रवेश हुआ सबका। उसके बाद परीक्षित के मन में आया कि ये तो सारी की सारी गोपियां भगवान को कांत मान रही है, अपना पति मान रही है, और ये है परब्रह्म, तो क्या इनका कल्याण होगा? तो उन्होंने पूछा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से, सुखदेव जी कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहु परमस्ताशाम गुणध्याम कथम। अरे ये श्री कृष्ण को कांत मान रही है, अपना पति मान रही है, ब्रह्म तो मान नहीं रही है, तो कल्याण होगा? तो भगवान सुखदेव जी ने कहा, अरे कैसी बात करे, अभी पीछे तो सुनाया था उत्तम पुरस्ता दे तत्ते चैत्य सिद्धम यथागत। अरे शिशुपाल ने भगवान को दुश्मन माना, गाली दी, तो भी भगवान ने मुक्ति के दरवाजे उसके लिए खोल दिए, तो ये तो अपना पति मान रही है, तो भगवान इनको क्या नहीं दे सकते? अनुकूले न भक्ति ही प्रातुकूले न मुक्ति ही। अनुकूलता होगी श्री कृष्ण से तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और प्रतिकूलता होगी तो कम से कम मोक्ष तो मिल ही जाएगा। इस कारण से सारी की सारी पहले भगवान का रास हुआ है। जब रास हुआ है तो रास में सारी गोपी श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है, लेकिन मन में मद आ गया है श्री कृष्ण गोपियों का कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के जो ये नायक है कितने सुंदर हैं, ये सुंदर श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हम कितनी बड़भागी हैं, हमसे श्रेष्ठ कौन होगा, इत्यादि इत्यादि करके उनके मन में जो है वो मद आ गया। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये मद क्या है, मदश्च मदैव च, केवल और केवल श्री कृष्ण के अलावा किसी का हृदय में स्थान होता है तो उसको मद कहते हैं, वो मद प्रवेश कर गया। उसके बाद श्री कृष्ण समझ गए तो तत्रैवान्तरधीयते, भगवान श्री राधा जी को लेकर के चले गए।
जब राधा जी को लेकर के चले तो श्री राधा रानी ने सोचा, क्योंकि श्री राधा रानी तो जानती है ना कि ये गोपियाँ श्री कृष्ण की परम उपासिका है, परम प्रेम करती हैं, इस कारण से इनको फिर से श्री कृष्ण मिलन होगा। यद्यपि भगवान ने, तो श्री राधा रानी ने कहा ठाकुर जी मुझको विरह चाहिए आपका, तो ठाकुर जी ने कृपा करी है, राधा रानी को भी आगे छोड़ करके श्री कृष्ण चले हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही गोपियों के श्री कृष्ण मिलेंगे, ये बात पक्की है। ये बात हमारे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं। राधे राधे बोल श्याम, कहते हैं ना राधा राधा बोल भाई, गोविंद आ जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। भगवान राधा रानी जो है वो उसके उनको भी छोड़ दिया है, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं। अब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं तो जैसे ही अंतर ध्यान, देखो नारद जी जो है, नारद जी यदि हमारे चक्रवर्ती बात लिखते हैं कि नारद जी भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वेद तरो प्रतिशाखा मृगतम मिलितम न तत् ब्रह्मा मृगतम मिलितम इदानीम गोप वधूटी पतंजलिम। श्री भगवान को सारे पुराणों में ढूंढ लिया, सारे वेद में ढूंढ लिया, वेद वेदांतरों में ढूंढ लिया, लेकिन भगवान नहीं मिले, तो भगवान कहाँ पे मिले? जब भगवान ने राधा रानी को छोड़ करके राधा रानी की इच्छा से जब चले गए, तो राधा रानी की इच्छा से जब गए तो वहाँ पर जो है फिर सारी की सारी गोपियों ने मिल करके श्री गोपी गीत का पाठ किया है। देखिए ये गोपी गीत जो है ये स्वतः सिद्ध है। गोपी गीत का जो पाठ है वह स्वतः सिद्ध पाठ है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गोपी गीत का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो नित्य प्रति गोपी गीत का पाठ करता है उसको श्री भगवान एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होते हैं। गोपी गीत का पाठ किया, जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्वेत इंदिरा शश्रुदत्र ही दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वैधृता सवस्तान विचिन्वदे शरदुदास साधु जात सरसिजोदर श्री मुसाद्रसा इत्य, इससे आगे आगे। फिर उसके बाद जब गोपी गीत का पाठ सुना है तो श्री कृष्ण विफल हो गए हैं, हालांकि श्री कृष्ण वहीं थे। इसलिए शुक्र हमारे चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान कहीं गए नहीं थे। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है ना, तत्रैव अंतर धीयते, भगवान वहीं पे ही अंतर ध्यान हुए हैं और वहीं पे ही हैं, और गोपी गीत भगवान प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही आखिरी में गोपी गीत समाप्त हुआ, इति विप्रेण माकन्या गोप्यो गोविंद भाषितम विषन्ना भक्न संकल्पा चिंता मा परिदुरत्यात् कृत्वा मुखान्यवशच शुश्रेण शुश्वद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः अश्रैरुपात्तमज भीमज कुमकुमानि तस्थुम नृसिंह दुःख भरास्मि तुष्णीम। श्री कृष्ण के सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं मनमथ मनमथ स्वरूप से, मनस्वी मथनाति मनमथ तस्य मनम मथनाति मनमथ मनमथ। देखिए जो काम को सारे के सारे विश्व को काम ने पीड़ित कर रखा है, जो पूरी दुनिया के मन को मथ दे उसे मनमथ कहते हैं, लेकिन जो काम के भी मन को मथ दे उसे श्री कृष्ण कहते हैं मनमथ मनमथ। इसलिए मनस्वी मथनाति मनमथ तस्य मनम मथनाति मनमथ मनमथ। श्री भगवान ने काम जय लीला है यह, फिर उसके बाद भगवान ने पुनः रास किया है दोनों के दोनों, दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, भगवान का सुंदर रास हुआ है। पादन्यासै भुजति विश्वस्मितै भ्रूविलासै भज्जन मध्यै चलकुटपटै कुंडलै गंडलोलै सत्यन मुख्यत कबर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायंतस्तै तडितैवता मेघ चक्रे विरेजु। श्री भगवान ने इस पंक्ति से सुखदेव जी ने रास का वर्णन किया है। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपी हैं, बीच में श्री कृष्ण हैं, सबके सब नृत्य कर रहे हैं महाराज, दोनों सब गोपियां और श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अंगना मंगना अंतरे नंदना, नंदना माधवो माधवम चांतरे नंगना इत्यमा कल्पिते मंडले मध्य का रात्रिगो वेणुर श्री यशोदिका नंदना। श्री यशोदानंदन श्याम सुंदर श्री रासलीला कर रहे हैं। उसके बाद इसका फल है जो देखो ये बहुत बड़ी रासलीला थी, पर बहुत संक्षेप में व्यास समास शैली में मैंने गुरुदेव की कृपा से आपको सुनाया है। बाकी इसका फल श्रुति क्या है? विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु श्रद्धान्यतो अनुसुनयादत वरण यद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगमस्वभिनुत्य चिरेण धीर। जो भगवान की इस रासलीला को श्रवण करता है, भगवान उसके मन से काम को धीरे धीरे हरण करते हैं और उसको पराभक्ति की प्राप्ति होती है। यह रासलीला
गुरुदेव ने जितना पढ़ाया, जितना गुरुदेव की कृपा से मैं सुन पाया, उतना ही मैंने आपको सुनाया। एक बार शुक और शारी का दिव्य वाक्य है महाराज, वृंदावन की लीला चल रही है, शुक और शारी, तोता और मैना, शुक शारी दोनों वाक्य हैं। शुकदेव जो हैं वो कृष्ण की तरफ हैं, शारी जो है वो राधा रानी की तरफ है, दोनों एक दूसरे से वाक्य करती हैं। शुक बोले अमर कृष्ण मदन मोहन, शुक कहते हैं पता है हमारे कृष्ण जो हैं वो मदन मोहन हैं। शारी कहती है शारी बोले अमर राधा बामे चौखन, नहीं तो की कोरे मोहन। अरे कहाँ शुकदेव मदन मोहन है, ये तो हमारी राधा रानी वामांग में विराज रही हैं, नहीं तो क्या करेंगे गोविंद, इस कारण से ही तो वे मदन मोहन हैं। अच्छा शुकदेव जी, शुक बोले, अच्छा शुक बोले अमार कृष्ण, अमार कृष्णेर बाशी कोरे गान, शुक बोले अमार कृष्णेर बाशी कोरे गान। शुकदेव कहते हैं हमारे कृष्ण तो वंशी का गान करते, बताओ तुम्हारी राधा करती है। तो शारी बोली अरे कैसी बात कर रहे हो शुक, तुम ये तो देख लो जरा वंशी में क्या गाती है वो। शारी बोले वंशी में बोले राधा रो नाम याले मीछा से गान। शारी कहती है वंशी में राधा रानी का ही नाम लिया जाता है, इसीलिए तो कान्हा नित मुरली में तेरो सुमरे बारंबार, अरे कोटिन रूप धरे मन मोहन को न पावे पार, रूप रस की छबीली ठकुरानी लागे मोहे कारो खारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे मोहे खारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। इन सभी शब्दों के साथ लीला सम्मरण करते हुए वांछा कल पतरु भ्रष्ट कृपा सिंधु वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले रास रचिया भगवान की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो ये जो गोपियां हैं ना ये कोई लड़की नहीं है, लेकिन आप जैसे चश्मा पहनो ना आपका आकाश ठीक वैसे लगने लग जाती है। कभी कभी प्रभु की रास लीला श्रवण करके कभी कभी हमारी मन में होता है हम जैसे अपना पत्नी को साथ में व्यवहार करते हैं ना कृष्ण से ऐसे कर रहे थे, और अगर ऐसे होता थे कि भोले बाबा क्यों गोपी बन कर आए, भोले बाबा क्यों आए। हाँ ये जो गोपी है ना ये एक संस्कृत शब्द है, गोपी मतलब क्या है, बोले गो मतलब होता है इंद्रियां, बोले पी मतलब पीना, बोले जो नित्य निरंतर कृष्ण भक्ति रस को जो इंद्रियों को द्वारा पान करती थी वो गोपी है। और गोपी मतलब होता है गोप रखण पालने, जो समस्त इंद्रियों को द्वारा जो कृष्ण की सेवा करती है। ये गोपियां पूर्व जन्म में कौन थी, क्योंकि लड़कियां नहीं थी। आप लोग रामायण देखे हो, बोले भगवान राम जब वनवास में गए ये गोपियां पूर्व जन्म में बड़े बड़े तपस्वी थे, कठोर तपस्या कर रहे थे गोपी गोपी मंत्र से। प्रभु राम को देख करके इनकी पति रूप में प्रार्थना की, कृष्ण ने कहा नहीं, भगवान राम बोले नहीं द्वापर युग में तुम सब गोपी बन करके आओ तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग थे वही सब के सब गोपी बन करके आए। कहते वेद का कुछ मंत्र था, ये लोग भी बड़ी कठोर तपस्या की, जब भगवान दर्शन दिए बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु ये गोपियाँ जैसे तुम्हारी सेवा की हम ऐसे चाहते हैं, बोले ठीक है तुम लोग द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। जो बड़े बड़े जो मंत्र जो ऋषि मुनि लोग ये सब के सब द्वापर युग में ये गोपी बन करके आती, कोई लड़कियाँ नहीं है। हम जैसे सोच रहे हैं अरे कृष्ण क्या सब गोपियों, नहीं ये दिव्य लीला है जहाँ पर देवता लोग आकर के आकाश मार्ग से जो लीलाओं को दर्शन करते हैं, इसलिए ये दिव्य लीला। और वहाँ पर बता रहे थे ना कौन कौन बैठे हुए थे, एरे गेरे व्यक्ति वहाँ नहीं बैठे हुए थे, हमारे जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि देवर्षि सबके सब बैठ करके वहाँ पर ये रास लीला श्रवण कर रहे थे, साधारण लोग वहाँ पर बैठे नहीं हुए थे। इसलिए ये प्रभु का जो दिव्य रास लीला है ये अद्भुत लीला है प्रभु जी के। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की, भजन गा लोगे चटकी मटकी होनी चाहिए ऐसे, नहीं तो वो जो मयूर बने आए उसको गा लो। एक भजन सुन लो, ये हमारे मथुरा से आए हैं, इनका जो भजन है वो आकाशवाणी में, अगर आप रेडियो खोलोगे ना इनका भजन वहाँ सुनोगे।
बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए। बोले मयूर भगवान की जय जय श्री राम। का भी था लेकिन महाराज जी के आते ही चटचिल हो गए। श्री कुमार राधिका मोर कुटियाई सखी मोर कुटियाई Thank you.